आर नहीं दिया है, ठीक है, तो आर हमको निकालना है, एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम लगाएंगे सी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये दिया है 3696, 2 × 22/7 इंटू आर इंटू 14, ठीक है, 7 × 1 = 7, 2 = 10, ये मैंने कैलकुलेशन बताया भी था इसमें कैसे करेंगे, आर निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा, ओके, तो मैंने कैलकुलेशन आपको सॉल्यूशन भेजा हुआ है, कैंसिल कर दिए, अभी यहाँ क्या बचा है 88 × r = 3696, इसके बाद आप कैंसिल करेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे, या r = 3696/88, 11 का टेबल पढ़िए, 11 × 88, 11 × 3 = 3, ठीक है, आप डिवाइड, अभी भी आप में से बहुत लोग को टेबल नहीं आता तो आप क्या करेंगे डिवाइड करिए, 11 × 3 = 33, यहाँ पे 3 रिमाइंडर हुआ 39, फिर से 3 33, बचा क्या 6 6, 11 × 6 = 66, तो यहाँ पे कितना है 336, इसके बाद इसको 8, ठीक है, सॉरी ये आर दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 14 × 8, ठीक है, आर दिया है 14, मेजरमेंट वही है, ये निकालना, ठीक है, एच एच इक्वल टू करिए, ठीक है, सो अब 8 से डिवाइड करिए इसको, 8 8 4 = 32, 8 है ना, 16 8 8 4 = 32, फिर 8 2 = 16, ये मैंने करके बताया भी है आपको, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ कट सरफेस ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट दिया है, इसमें रेडियस निकालना है, ठीक है, तो वहां पे मिस्टेक हो गया था, डायमीटर निकालना है इसमें, रेडियस फिर डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, सिलेंडर, सॉरी, सो क्वेश्चन 3, सी एस ए दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर निकालना है, तो डी भी निकालना है, ठीक है, आप ऐसा रिलीट के रख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये भी छूटे ना, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स के लोग 1 मार्क्स कटता है इतना ही निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के लिए कैलकुलेशन के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एच दिया है आपको 14 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे एच, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए, एच 14 लिखिए, आर और डी, ठीक है, ये हाइट एच, सो सी एस ए आप सिलेंडर 2 पाई आर एच, 88 = 2 × 22/7 × r × 14, ये 1 ये 2, 88 × r हो गया, और ये भी 88 है, तो 88 r = 88/88, दोनों के आंसर लोग क्या बचेगा 1/1 मीन्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस, दैट इज 2 × 1, 2 सेंटीमीटर, आप बोलोगे सर ये पूरा निकालना पड़ेगा, है ना, तो पूरा कैलकुलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा में पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स आपके चले जाएंगे अगर आप डायमीटर नहीं निकालेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है, गलतियाँ हो जाती है सबसे, तो हमेशा क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें, तब होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन 4 तक मैंने आपको आज दिया था सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन 4 मैं अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, ठीक है, डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर, ये भी बताया था मैंने, डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर
ये दिया हुआ है 3.5 मीटर। आपने देखा होगा पिलर, ठीक है, पुल्स वगैरह में पुल बनते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स होते हैं, कई पिलर में सबका पुल वगैरह बनते हैं, छत बनता है वहाँ पर, कई जगह पिलर डालते हैं। पिलर जो होता है, खंभा जो होता है, ठीक है, तो उसका अगर डायमीटर में से तो रेडियस तो मालूम है d/2 d=2r और r=d/2, ठीक है, तो 50/2 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन आपको सेंटीमीटर में करके मीटर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड से कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो इन मीटर, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था मैंने, इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और h=3.5 मीटर, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट क्या दिया, पर मीटर स्क्वायर दिया, इसलिए हम पहले मीटर में निकाल रहे हैं। ओके, ज़्यादा कुछ डेसिमल का फर्क आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, कैलकुलेशन आपका वही रहेगा, डेसिमल का फर्क आएगा। तो CSA=2πRH 2×22/7, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप लोग भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोगों को जितना दिया जाता है आप उससे उसका आधा लिखते हैं, सो बेटर है कम से जितना लिखा हो उसको पूरा लिखे, है ना, तो राइट ऑन द कंप्लीट नोट्स कंप्लीट आंसर्स, इतना ही आप करेंगे तो भी आपको फुल में फुल मिलेगा, नो नीड टू राइट द स्टेटमेंट, नो नीड टू राइट द एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स दैट यू हैव टू राइट, ओके, यू हैव टू राइट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन और ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, सो उसको कम से कम लिखें, हियर 0.25 × r h हो गया 3.5, ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल करके काटते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना डेसिमल हटाओगे 10 हो जाएगा, 7 1 0 7 5 0 5 1 0 5 2 0 2 2 यहाँ से कट गया, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ से डेसिमल हट किए, आप देखिए यहाँ पे 22 × 0.25, ठीक है, 25 2 50 25 2 50 + 5 55 1212, उतना ही आया जितना हमने उसमें मीटर स्क्वायर में निकाला था, वहाँ 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसको कन्वर्ट किया 5.5 मीटर स्क्वायर है, है ना, वही यहाँ भी आया, कोई अंतर तो नहीं आया आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इसके आगे का मैं सिम करा रहा हूँ, इसके आगे देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है द पिलर, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, ठीक है, 12.50 per meter square रुपीज है ये, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर, ये फॉर्मूला मैं हर बार लिखवाता हूँ, ऐसे बुक में बहुत कम जगह पे लिखा होता है, ठीक है, बुक में आप ढूंढेगा नहीं मिलेगा, इनटू जहाँ पे भी जैसा जरूरत हो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला को एडजस्ट करते हैं, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखने से क्या होता है आपको पता है कि आपको करना क्या है, 5.5 × 12.5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप रुपीज़ में लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, और पहले भेजा हुआ आपको आंसर, आप वहाँ से देख कर लिखिए, चाहे जैसा भी लिखिए पर लिखिए, ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ से निकाल लीजिएगा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 500 revolution to complete the level, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, ओके, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, तो रोलर देखा आपने, इस तरह से रोलर आता है, इसका डायमीटर है, ठीक है, 84 सेंटीमीटर, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 84 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ दिया इसमें, ठीक है, लेंथ इज 120 सेंटीमीटर,
तो ये लेंथ को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, हाइट, ठीक है। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का हाइट तो d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर और r इक्वल टू d बाई टू दैट इज 84 बाई टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, लेंथ इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर को मैं ऐसा रखूं तो हाइट हो गया, सुला दिया तो लेंथ हो गया, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। सुला दिया तो लेंथ हो जाता है वो। तो रोलर है तो रोलर तो ऐसा खड़ी होकर रोल नहीं करेगा, वो लेट ही रहेगा, ठीक है। सो लेंथ हो गया, हाइट रेडियस हो गया, हाइट और रेडियस दोनों मिल गया। अब डायमीटर ऑफ रोलर इज कंप्लीट। अब एक बार और पढ़ो, डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड वंस। जो प्ले ग्राउंड है ना, वहाँ पे जो प्ले ग्राउंड आप लोग खेलते कूदते हैं वैसा ग्राउंड, उसको पूरा रोल करने के लिए उसको 500 रिवोल्यूशन या 500 राउंड लेना पड़ता है। ऐसे घूमते हुए 500 राउंड घूमता वो, ठीक है। जैसे ये एक बार घूमेगा ऐसे करके, ये कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ पे निशानी पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं वापस इसको आने में, ये हो गया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। किसी भी रोलर का इस तरह से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाता है, एक राउंड, ठीक है। तो वैसे वो 500 रिवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व होता है 500 टाइम्स, ओके। तो 500 टाइम रिवॉल्व हो रहा है तो उस प्ले ग्राउंड का एरिया क्या होगा, ठीक है। अगर वो एक रिवोल्यूशन में इतना जा रहा है, दो में इतना हो रहा है, तीन में इतना हो रहा है, फोर में इतना हो रहा है, तो कम से कम 500 जाएगा। तो 500 तो ये कौन सा हिस्सा रोल होता है, ये हिस्सा रोल होता है, तो ये कौन सा एरिया है, CSA, क्राउड सरफेस एरिया, ठीक है। CSA ऑफ रोलर, ठीक है, क्या है CSA ऑफ रोलर, मैं एक आपको वो दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसका शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर हम इसको रोल करेंगे तो इस तरह से रोल होगा, मैं यह निशानी देख रहा हूँ, मैं इसको वापस लाता हूँ, एक रोल हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे निशानी पड़ गया, यहाँ पर एक रोल आते था कितना दूर, इतना एरिया कवर किया, फिर दूसरा रोल, है ना। इस तरह से जितने बार रोल होगा उतनी बार वो उतना एरिया कवर करेगा, तो ये CSA ही कवर करेगा जो करेगा, ठीक है। इसका एक रोल मतलब एक CSA, 500 रोल मतलब 500 टाइम्स CSA होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड पूछे हैं, तो एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या होगा, फाइंड एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड क्या होगा, 500 CSA ऑफ दिस रोलर, ओके। तो CSA फॉर्मूला लगाते हैं, 2πRH 2×22/7 r हो गया 42×120, ठीक है। सो हमको लेंथ ग्रेट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। 7×6 अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2×22×6×120 हो गया 44×720, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 720 मल्टीप्लाई करिए 44, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 08692, 29680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग निकालते हैं, अब कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, 500 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो 500 इंटू एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, फाइव हंड्रेड रिवोल्यूशन इंटू CSA, ठीक है। 500 इंटू जितना आया है 20, इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, वो निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आंसर मीटर स्क्वायर में दिया है तो आप मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको अगर मीटर स्क्वायर में दिया तो आप मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन 10,000, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ जो भी यहाँ पे आंसर है तो उसको क्या करना है आपको, 10,000 से डिवाइड करना है, क्यों डिवाइड करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, ठीक है। जो इसको आंसर आएगा यहाँ पर करिएगा, करके 20,000 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ओके। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7,
क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। सिक्स देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट। तो मैंने सारा फॉर्मूला आपको बेसिक में बता दिया था, ठीक है। आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देखिए दोबारा, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल सी ईच एंड एवरी वीडियो। जो भी मैं डालते जाऊंगा आपको अपडेट मिलता जाएगा और पुराने वीडियोस भी आपको दिखते जाएंगे। तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के, क्लास 6 के, क्लास 7th के, क्लास 4 के, आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं अर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, ओके। ये आपके लिए है, तो दूसरा कोई देखने वाला नहीं है आप लोग के अलावा, तो आप लोग देखेंगे आपको बेनिफिट होगा, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई एल स्क्वायर एच। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर गलत सलत लिख के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो हियर रेडियस आर इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर हो गया 3 × 3 का स्क्वायर इंटू एच, मतलब 14। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो 44 × 9, ठीक है। 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 + 3, ये होगा क्यूब में, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होगा, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होगा, चाहे वो सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, ठीक है। तो वो स्क्वायर में होगा और ये क्यूब में होगा, ओके। ध्यान रखिएगा इसको, जब भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आसान क्वेश्चन था वैसे देता, लेकिन आप लोग होमवर्क नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करें इसलिए मुझे पूरा कराना पड़ा। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, कौन सा एरिया है? सर्कल का एरिया है, ठीक है। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। इसका एरिया इंटू एच करेंगे तो वॉल्यूम आता है, ठीक है। देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस आपका 154 × 10 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑलरेडी स्क्वायर था, ये क्यूब हो गया। ये देखो कितना शॉर्टकट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट, ओके। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहाँ 8 तक करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा इसको। ट्राई करूंगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए इस वीक, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज, बेस का सर्कमफेरेंस मतलब आपको मालूम है ना, ये है पेरीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ आपको 88 सेंटीमीटर, ओके। मीन्स 2πr दिया हुआ है, 2πr इक्वल टू 88 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया है 10 सेंटीमीटर इसमें भी, है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, तो इसके लिए आपको तो रेडियस फिर निकालना ही पड़ेगा, है ना। सो गिवन सर्कमफेरेंस
टू पाई आर, टू इंटू 22 बाई 7 इंटू आर, क्योंकि रेडियस नहीं दिया है, ये हो गया 88, है ना। इसको आप उधर ले जाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 88 इंटू 7, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। तो 22 का टेबल अगर आप 11 का देखें तो 11 टू जा 11 एट जा, ये हो गया 8 इंटू 7 अपॉन 4, 4 वन जा 4 टू जा, तो ये आर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आर हमको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22 बाई 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच हो गया 10, 7 टू जा तो 22 इंटू 140 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ये मैं नहीं निकालता हूँ, ठीक है। 22 इंटू 140 इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। सो ये आज का आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कल और परसों जब आपका वीडियो भेजूंगा आपको, तो I will try my level best to complete this chapter today, in this week or this and next chapter. तो आपका इस month का next January के first week तक आपका ये syllabus try करेंगे complete हो जाए, और कोशिश करेंगे construction, क्योंकि आप लोग videos देख नहीं रहे तो construction के लिए मैं live class लूँगा, ठीक है। तो जो video नहीं देख रहे हैं वो class में आएंगे, और construction chapter बेटा बहुत important है, question आना ही आना है, 100% आता है, ठीक है। अगर आपका exam हुआ तो 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन एक आपका कंपलसरी है वहां से, एक बैंकिंग उसका है, तो वो दोनों चैप्टर उसका वीडियो मैं भेज दूंगा। पहले कंस्ट्रक्शन का करेंगे लाइव क्लास में, फिर बैंकिंग एंड टैक्सेशन का करेंगे, ठीक है। तो ये दो चैप्टर करेंगे, जो भी बच्चे नहीं आएंगे उनको प्रॉब्लम होगी, तो ये मैं आपको ग्रुप में एक बार वो कर दूंगा कि लाइव क्लास के लिए आप कम से कम अटेंड करिए सब लोग। ओके, थैंक यू, गुड डे।